नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 2 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज सरसों बाजार में कैसा व्यापार हो रहा है, कहां बाजार घट रहा है, कहां बाजार बढ़ रहा है, प्लांटों की क्या पोजीशन है, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सरसों पर बात शुरू करने से पहले एक जो जानकारी सामने आ रही है वो आपसे साझा करना चाहता हूं। बहुत पीड़ा होती है जब इस तरह की बात सुनने को देखने को मिलती है। कहा जा रहा है कि गुजरात के बड़े क्षेत्र के अंदर नकली या मिलावटी कह सकते हैं आप, खल जो बिनोला खल होती है उसको मिलावट के रूप में या नकली बना करके या किस ढंग से वो बनाते हैं, किस तरह के केमिकल डालते हैं, किस तरह की कोई और दूसरी चीज़ें डालते हैं उसको बना करके वो किसी ब्रांड के नाम से या अपने ब्रांड के नाम से उनको वहाँ बेचने का धंधा बड़े जोरों पर चल रहा था। गुजरात के जो इस खल और बिनोला तेल के जो मिल मालिक हैं उन्होंने, उनके एसोसिएशन है और एक बड़े स्तर के व्यापारी एसोसिएशन ने मिल करके सरकार को इस बारे में चिट्ठियां लिखी, खत लिखे, कंप्लेंट की, तो सरकार ने वहां पर बहुत आक्रामक एक्शन लिया है। बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे एक ये भी बात सामने आती है कि इस तरह की और भी कई जगह पर खल बनाने की या नकली खल बनाने की या मिलावटी खल बनाने की जो है मामले सामने आ रहे हैं और ये मामला वास्तव में सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसकी नोटिस में आना चाहिए। और जो ये जो पशुओं पर जो ये अत्याचार हो रहा है, गाय भैंस पर जो हमें दूध मिलता है, वो दूध हम अपने बच्चों के पालन पोषण में भी उपयोग करते हैं और दूसरी चीज़ों के लिए भी उपयोग करते हैं, तो नकली या मिलावटी चीज़ खिलाने के बाद में उस दूध में भी उसका असर आएगा और उसका असर और हमारी संस्कारी, हमारे जो बच्चों के संस्कार हैं उन पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। पशुओं में बीमारियाँ भी हो सकती हैं, वो बीमारियाँ बच्चों में भी आ सकती हैं। कुल मिलाकर के इस पर केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और इस पर कोई एक कड़ा एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। सरसों बाजार आज लगभग स्टेबल है, कहीं कोई बड़ी गिरावट नहीं है। बाजार 25 रुपए के आसपास एक दो मंडियों के अंदर टूटा है। जयपुर के अंदर बाजार 25 रुपए जरूर कमजोर हुआ है। प्लांट के अंदर भी जैसे गोयलकोटा का प्लांट है वहां 25 रुपए की गिरावट देखी गई है और अडानी के प्लांट के अंदर भी लगभग 25 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। कुछ एक ऐसे प्लांट है जैसे सलोनी प्लांट है जहां 25 रुपए सुबह बाजार कमजोर हुआ लेकिन दोपहर बाद में उसको रिकवर कर दिया गया और बाजार फिर से वापस उसी पुराने लेवल पर आ गया। इस तरह से जो दूसरे बाजार हैं वो लगभग स्टेबल है। भरतपुर मंडी आज भी कल के भाव पर ही है। कल 5100 रुपए का भाव खुला था, आज भी 5102 रुपए भाव खुला है। आप इसे 2 रुपए प्लस भी कह सकते हैं, वैसे इसको स्टेबल ही कहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज जो आवक हुई है सरसों की वो कल से थोड़ी सी अधिक है। आज 7,25,000 बोरी की आवक दर्ज हुई है, कल 6,00,000 बोरी की आवक दर्ज हुई थी। तो इस बढ़ती आवक का दबाव कह लीजिए या विदेशी तेल जिसमें जो KLC है उसके अंदर आज सुबह थोड़ी सी गिरावट थी, उसका भी थोड़ा सा दबाव आप मान सकते हैं। इस कारण से बाजार में थोड़ा सा ये हल्का सा दबाव आया है। सरसों के अंदर ज़्यादा मंदा लगता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई आवक बढ़ेगी या कोई KLC में कोई ज़्यादा गिरावट बढ़ेगी जिसकी संभावना बहुत कम है तो शायद कोई बाजार 50 रुपये या 100 रुपये तक और टूट सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना बहुत ही कम है। आगे बाजार में जैसे जैसे आवक आती रहेगी, जो मंडियों में सरकारी जो खरीद हो रही है कुछ जगह से इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि सरकारी खरीद प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही, या तो वहाँ कांटा लगा ही नहीं है या जो खरीदार हैं, खरीद करने वाली जो एजेंसियां हैं वो नमी के नाम पर और दूसरे कारणों से किसानों को लौटा रहे हैं कि नहीं। कुछ जगह पर शर्तें भी हैं कि 25 क्विंटल से ज़्यादा नहीं, 25 क्विंटल से ज़्यादा नहीं ले सकते, बेच सकते, या इस तरह की कुछ शर्तें, इस तरह से जो ये किसानों को परेशान करने वाली चीज़ें हैं। इस पर एक अध्ययन करके कल या परसों में एक विस्तृत रिपोर्ट आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आज जो बिनोला तेल का भाव है वो भी लगभग स्टेबल है, मूंगफली तेल का भाव भी स्टेबल है, सोया और पाम तेल के अंदर हल्की हल्की तेजी बढ़ती हुई दिखाई दी है। जो पहले से चल रही है मोमेंटम तेजी का उसमें थोड़ा सा सुधार और होता हुआ दिखाई दिया है। आज प्लांट का भाव सलोनी का वही है जो कल क्लोजिंग का था, 5,950 रुपये, शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा, अलवर 5,875 रुपये और कोटा 5,900 रुपये, यही भाव कल थे। आज जयपुर का जो भाव है, भरतपुर का जो भाव है मैंने बता दिया, 5102 रुपये खुला है।
जयपुर 5550 रुपये, निर्भय 5100 रुपये, दिल्ली 5300 रुपये, चरखी दादरी 5250, गोयलकोटा 5400, हिसार 5200, बरवाला 5150, सिवानी 5200, मुरैना 5050, ग्वालियर 5100, निवई मंडी 5150, टोंक मंडी 5130, अलवर 5150, गंगापुर 5070 से 90 रुपये। अबोहर मंडी में आज सरसों का भाव रहा 5250 रुपये, सिरसा में 5100 रुपये, आदमपुर मंडी में 5111 रुपये, खैरथल मंडी में 5100 रुपये, अलीगढ़ में 4900 रुपये, हापुड़ में 5250 रुपये और खेरली मंडी में आज सरसों का भाव रहा 5150 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।